अगर आप ये सोच रहे हैं कि डायमंड को पानी से भरे ग्लास में डालकर ये पता चल जाएगा कि डायमंड असली है या नकली, तो आप गलत हैं। अक्सर इंटरनेट पे एक बात फैली हुई है कि असली हीरा पानी से भरे ग्लास में डालते ही डूब जाएगा और नकली हीरा तैरने लगेगा, लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं है। देखो, लगभग सभी नकली डायमंड जेरिकॉन से बने होते हैं, और अगर आप जेरिकॉन से बने अपने डायमंड को पानी से भरे ग्लास में डालोगे तो वो भी उतनी ही जल्दी डूबेगा जितना जल्दी कोई रियल डायमंड डूबता है, क्योंकि जेरिकॉन की डेंसिटी भी लगभग डायमंड जितनी ही होती है। वैसे भी अक्सर अधिकतर डायमंड रिंग में जड़े होते हैं जिनकी घरेलू टेस्टिंग लगभग नामुमकिन होती है। और दूसरा तरीका है कि आप अपने ही हीरे पे हथौड़ा मारकर देखें, जो आप कभी नहीं करना चाहोगे और ना ही हम आपको ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। तो बचता है आखिरी तरीका, जो है 500 से 600 रुपए का एक एक्सरे। जी हाँ, एक असली डायमंड रेडियो लूसेंट होता है, यानी कि ये मेडिकल एक्सरे के लिए अदृश्य होता है। जब डायमंड की रिंग को एक्सरे किया जाता है तो रिंग का केवल मेटल ही एक्सरे में दिखाई देता है, असली डायमंड अदृश्य ही रहता है। यही एक असली हीरे की पहचान होती है। ऐसी ही छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें।